तो सीधी बात करूँगा, कुछ बकवास नहीं करूँगा। तुम सबको पता लग गया होगा कि इंडिया में हो चुका है फ्री फायर बैन। हाँ, गाना फ्री फायर के ऊपर लग चुका है बैन, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पूरा बैन हुआ है नहीं। और फ्री फायर ने भी कुछ एक चीज़ कंफर्म करी है कि गेम बैन नहीं हुआ है, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हुआ है किसी फॉल्ट की वजह से। तो इस वाली वीडियो में तुम्हें सारे व्यूज देने वाला हूँ। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हो, और हाँ, एंड तक जरूर से देखना। तो तुम्हें सबसे पहले मैं कुछ प्रूफ देना चाहता हूँ कि किस तरह से कॉर्पोरेट की तरफ से लीगल नोटिस निकला था कि गेम बैन हुआ। तो अभी तुम्हें एक क्लिप दिखाऊंगा मैं, तुम्हें बिल्कुल ध्यान से देखना। तो चलो फिर तुमने देखो। बात कर देते हैं, भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन ऐप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर गेम गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। इसमें ज्यादातर ऐप्स चाइनीज है, हालांकि ये गेम इसका डेवलपर चीन से नहीं सिंगापुर से है। पबजी पर बैन लगने के बाद यह ऐप भारत की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में से एक थी। सरकार ने जिन ऐप्स को बैन किया है उनमें लेकिन ये जो न्यूज है ये आज तक के टीवी चैनल पे तो शो नहीं हुई थी, लेकिन कुछ आज तक के जो फेसबुक वगैरह उन पे लीक वाली न्यूज से आते थे। तो मतलब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी था, मेरे पास एक और स्क्रीनशॉट निकल के आया है कि गेम बैन नहीं हुआ। तो इस बारे तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे, मतलब पढ़ लो, तुम पढ़ लो एक बार, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना कि इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। मतलब इसमें लिखा हुआ यह है कि जो भी मतलब फ्री फायर के प्लेयर्स हो वो टेंशन मत लो, क्योंकि फ्री फायर भी इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है और ना ही वो कभी ऐसा करेगा। और गेम बैन नहीं हुआ है, ब्लॉक हुआ है कुछ समय के लिए, एक महीने का टाइम लिखा था वहाँ पे। तो वेट करते हैं एक महीने के अंदर शायद गेम वापस आ जाए। और बस मेरे को और कुछ प्रूफ मिले कि ये गेम मतलब जो थोड़े बहुत शेयर से फ्री फायर का टेंशन के पास में थे, तो मैं तुम्हें उसके भी कुछ प्रूफ दे देता हूँ। इस वाले स्क्रीनशॉट में तुम्हें क्लियर क्लियर दिख रहा होगा कि इतने परसेंट का शेयर्स गरीना फ्री फायर का टेंशन के अंदर से है। और इस वाले स्क्रीनशॉट में तुम देखना कि टेंशेंट कहाँ की कंपनी है, टेंशेंट चाइना की ही कंपनी है। तो जिस दिन मुझे पता चला कि हाँ गेम के ऊपर बैन लग गया, मतलब मैं स्कूल से आया, मैंने देखा गेम के ऊपर बैन लगा, अब तो मेरे मन में गेम के बारे में एक ही फीलिंग आई, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो बस अब वेट करने वाला कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे को तो वेट करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्री फायर मैच प्लेयर, तो जो फ्री फायर प्लेयर वो थोड़ा सबर कर, तो जो मैक्स में शिफ्ट करना चाहता है मैक्स में शिफ्ट कर लो यार, क्योंकि मैक्स भी मतलब अच्छा ही गेम है। और मैंने स्टार्टिंग से जब से मैक्स आया तब से खेल रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है इसके बारे में। तो बस वेट ही कर सकते गेम वापस आने का।